सर कल शादी कर ली है। शादी करने के बाद हम दिल्ली चले गए फूड मैच करने के बाद। उसके बाद वहाँ से वापसी आया तो किसी तरह की गांव के लोगों ने पंच पंचायती बैठा के हम पे 1-1 लाख रुपये का जुर्माना किया घर आने का। तो हम रुनीसैदपुर में एक रूम किराया पे लेके वहाँ रहने लगे। 3 महीने रहने के बाद एक गांव में एक आदमी का जल सैनिक जी का काम पड़ा वायरिंग करने के लिए, तो हमको बुलाया, हम वहाँ गए टीका लेने के लिए। तो वहाँ लेने के क्या हुआ कि वहाँ पे हम बैठे हुए थे तो गांव के कुछ आदमी ने आए 6 आदमी से 2-3 गाड़ी से और उसको पकड़ के मारा पीटा और उसको ले आके बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद बकीर मोहम्मद बकीर के दलान में उसको बांधा। उसी घटनाक्रम में मेरे बड़े भाई मास्टर हैं, वो स्कूल जा रहे थे तो उनको देखा कि वो स्कूल जा रहा था, उनको भी रास्ते से पकड़ के लाया और मेरे साथ बांध कर पीटा, बहुत देर तक पीटा। उसके बाद पौड़ाई थाना अध्यक्ष को मेरी मांग, वहाँ जाके खबर पहुँचाई कि मेरा बेटे को मार रहा, पकड़ के बंदी बना हुआ है। तो मेरी मम्मी पुलिस वाले वहाँ से आए और मुझको वहाँ से छुड़ा के ले गए। वहाँ जाने के बाद हम औराई थाना गए तो बोले कि आप नहीं जा सकते, गांव में रह सकते हैं, आपको कुछ जुर्माना नहीं लगेगा। जंगू राम जी वहाँ से थाना अध्यक्ष बोले, ये कांड है। बताओ कुछ नहीं, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि वो लोग पे एफआईआर दर्ज किए थे, वो लोग जमानत कराया गया गाँव जाने के बाद। फिर हम लोगों को मारने पीटने की धमकी देता है, तरह तरह की, जैसे रोड पे चलते हैं तो सामने आया था रास्ता नहीं देता चलने के लिए, बहुत तरीके से बदमाशी कर रहा अभी भी। इससे कोई एक्शन अभी पुलिस नहीं ले रही है। शादी के विरोध का कारण क्या? शादी के विरोध का कारण है कि हम दोनों शादी कर लिया और मेरे ससुर जो है, मेरी सास जो है, मेरे घर सभी गार्जियन लोग कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाँव में कुछ लोगों को दुश्मनी थी मुझसे पहले, जो लोग इसमें सताना चाह रहे थे गाँव के लोग, उसमें इंटरफेयर करके मारा पीटा है, बंदी बनाया। बड़ी लोग का नाम हम एफआईआर दर्ज कराए हैं, सबका नाम।